जय हिंद दोस्तों, ये आपके सामने है एसएमएल जीएस सम्राट और ये एक टेपर है। ये ग्लोबल सीरीज़ का टेपर है, मुझे देखने में बहुत अच्छा लगा तो मैंने सोचा आपको इसके दो राउंड घुमा के दिखा देता हूँ 360 डिग्री एंगल पर। इस टेपर की खास बात ये है कि ये ग्लोबल सीरीज़ है जो एक्सपोर्ट में यूज़ होता है, अलग अलग कंट्रीज़ में जाता है और ये अभी इस टाइम पर बांग्लादेश के ढाका में जा रहा है तो मैंने सोचा इसका एक रिव्यू करें। ये BS4 व्हीकल है जिसकी आगे आप देख सकते हैं ग्लोबल सीरीज़ लिखा है, सम्राट जीएस फ्रंट में दिया हुआ है, बैजिंग दी है एसएमएल की, बैजिंग बहुत सुंदर लग रही है। व्हीकल की अगर टोटल ओवरऑल बात करें तो बहुत लुक जो है वो बड़ी स्ट्रेंथफुल लुक है। फ्रंट ग्रिल्स बहुत अच्छे हैं, आगे फ्रंट में टोइंग हुक दिया हुआ है, आगे जो बम्पर है वो बहुत स्ट्रांग एलोई का बम्पर है और मजबूत लग रहा है देखने में। ओवरऑल जो व्हीकल है वो काफ़ी रोबस्ट लुक है, इसकी मजबूत लुक देखने को समझ में आती है। हेडलैम्प्स की लुक भी काफ़ी प्यारी दी हुई है। इसके बाद अगर हम देखें इंडिकेटर्स भी काफ़ी बल्ब है इंडिकेटर में, ग्लोबल सीरीज आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। अब आते हैं इसके कैबिन की तरफ, तो कैबिन का लुक आप देख सकते हैं, साइड में इंडिकेटर के लिए बल्ब भी दिया हुआ है। टायर्स जो हैं, टायर्स का 8.25x16 और 16 ply रेटिंग के टायर्स हैं। ये इसका नीचे का जो लुक है वो भी काफ़ी मजबूत देखने को मिल रहा है। डार्क ग्रे कलर की जो मैट कोटिंग दी हुई है वो बहुत ज़बरदस्त लग रही है देखने में। यहाँ पे सेफ टिपिंग के लिए भी एक ये दिया हुआ है उन्होंने, स्टिकर लगाया हुआ है। तो इसकी जो लुक है, साइड में आप देखेंगे कि अगर आप इसके ये क्लैंप्स टाइप का जो दिया हुआ है ये साइड में भी खुल सकता है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, जनरली देखने में लगता नहीं है कार्गो बॉडी जो होती है वो उसमें। एक चीज़ आपको बता देता हूँ, कंपनी जो है एसएमएल वो आपको सिर्फ चेसिस देती है, आपको कार्गो बॉडी नहीं देती है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो ये कार्गो बॉडी दी हुई है उसमें सेफ टिपिंग के टिप्स दिए हुए हैं और इसकी जो सजेस्टेड कार्गो बॉडी है वो 3195x2000x710 mm की है और कार्गो वॉल्यूम 4.5 क्यूबिक मीटर का कार्गो वॉल्यूम है। बाकी अगर बात करी जाए, अगर हम इसके कैबिन के तरफ आए और कैबिन के अंदर की अगर लुक देखें तो बहुत अच्छी है। ड्राइवर देखिए बहुत ही इजीली चले गए, जो भी हैंड वगैरह जो ग्रिप करने के लिए जो दिए हुए हैंडल्स वो बड़े इजीली वो बैठ गए और मैंने इनको बोला कि ड्राइवर साहब को, शुभम भाई हैं यही लेकर जा रहे हैं गाड़ी को ढाका, तो मैंने बोला कि आप इसको जरा इसके जो कार्गो बॉडी है इसको लिफ्ट करिए, तो बड़ा स्मूथली लिफ्ट हुआ और बिल्कुल ऐसा लगा नहीं कि मतलब जैसे शोर होता है जिस तरीके से, उस तरीके का कोई आवाज़ वगैरह नहीं सुनाई दी और बहुत ही इजीली लिफ्ट हुआ। हालांकि अनलेडन है, गाड़ी खाली है तो इजीली होना चाहिए, लेकिन वो बाद में पता चलता है। और जो इसके जो दो ये सिलेंडर्स दिए हुए हैं लिफ्ट करने के लिए, ये बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है। जनरली आप देखते हैं कि फ्रंट में जो कैबिन के पास में दिया होता है एक सिंगल सिलेंडर, लेकिन यहाँ पर इन्होंने दो सिलेंडर थोड़ा सा पीछे दिए हुए हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं किसी भी टिपर के लिए। ये आपको बता दूं कि ये विप्रो डिज़ाइन किया डिज़ाइन करता है, ये जो इसके जो सिलेंडर्स हैं जिस जो ये ऑपरेट करते हैं, कम एज़ पर कंपनी के टेक्निकल जो चीज़ें हैं उसमें ये न्यूमेटिकली ऑपरेटेड है। पीटीओ, पीटीओ मतलब पावर टेक ऑफ, जिस तरीके से ये कार्गो बॉडी ऊपर होती है। ये चीज़ अंदर की आप डिज़ाइन देखें तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सी देखने को मिलती है, लेकिन ये अच्छी खासी इंजीनियरिंग है। और इंजन की अगर बात करें इस गाड़ी की, तो 85 kW मतलब 115 हॉर्स पावर मिलती है इसमें 2600 RPM पर। टॉर्क 400 Nm का मिलता है 1500 RPM पर। कैबिन के अंदर अगर हम देखते हैं तो कैबिन के अंदर काफ़ी लुक जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगी है। जिस तरीके से इन्होंने पैर रखने के लिए ये पैडल दिया है, यहाँ पर
स्पीकर्स भी दिए हुए हैं, लॉन्ग रन के लिए काफ़ी अच्छा है। अंदर की ये जो हैंड रेल्स वगैरह जो दी हुई हैं, जैसे मैंने आपको बता रहा था कि कितने आराम से चढ़ने में, कितना इजी, कितने आराम से वो शुभम भाई चढ़ गए थे, तो अंदर की लुक मुझे बहुत अच्छी लगी है। जिस तरीके के अंदर कैबिन को बनाया गया है, ORVMs देख लीजिए, बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ORVMs हैं। और यहाँ पर अगर हम पैसेंजर सीट की तरफ आएँ तो यहाँ पर ये रहा हमारा फ्यूज़ बॉक्स, सबसे बढ़िया चीज़। ऊपर ग्लव बॉक्स में भी आप देखेंगे थोड़ी जगह है, ऑल दो जगह कम है क्योंकि जो फ्यूज़ बॉक्स है उसने जगह ले ली है। और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि फ्यूज़ बॉक्स ऊपर होना काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी सामान रखा था शुभम भाई का तो मैंने ज़्यादा वो हटाया नहीं। फर्श आप देख लो तो इसका जो फ्लोर है, फर्श जो है वो पूरा प्लास्टिक फाइबर बॉडी का बना है, जो कि बहुत अच्छा है, इजी टू क्लीन रहता है। सेफ्टी के लिए बेल्ट्स दी हुई हैं। और ये जो है, ये चीज़ जो जो मैं फील कर रहा हूँ, ये लॉन्ग रन में जब सेटिंग होती है तो बहुत अच्छी है, सीट्स कंफर्टेबल रहती हैं। रूफ़ में भी इन्होंने उसी तरीके की सीट दी है ताकि हीट ज़्यादा महसूस ना हो ड्राइवर को गर्मी वगैरह में अगर चले। अंदर की तरफ ये देखिए बड़ी अच्छी फाइन लुक दे रखी है। ये हमारा जो टैंक है ये यूज़ होता है कंप्रेसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है इसका, कार्गो बॉडी को लिफ्ट करने के लिए। ट्रांसमिशन इसमें 5-speed ट्रांसमिशन है, 5 forward 1 reverse, और क्लच जो है इसमें 310 mm का ड्राई सिंगल प्लेट है विद डायफ्राम स्प्रिंग और विद हाइड्रोलिक बूस्टर के साथ में। सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छा है, सेमी इलेक्ट्रिकल टाइप है, मल्टी लीफ स्प्रिंग के साथ में। ये देखिए विप्रो का जो है स्टिकर लगा भी हुआ है इसमें। अब देखते हैं ड्राइव कर और कैसा फील हो रहा है। दोस्तों ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो है गाड़ी का वो बहुत ही अच्छा है। अभी गाड़ी को मैं तीसरे गियर पर लेके और अब मैं चौथे गियर पर ले जा रहा हूँ, और जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ इसकी जो स्टीयरिंग है या जिस तरीके से जो भी ये चीज़ें चल रही हैं, मूव कर रहा है गाड़ी, जो मेरा मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इस चीज़ को, वो बहुत ही बढ़िया है। और दूसरी चीज़ जो मेरे को सबसे अच्छी लग रही है वो ये लग रही है कि गियर शिफ्टिंग जो है वो बहुत शानदार है, गियर शिफ्टिंग बहुत शानदार है। ऐसा लग रहा है कि मैं कोई टिपर नहीं चला रहा हूँ, मैं कोई कार ड्राइव कर रहा हूँ, तो ये चीज़ एक बहुत अच्छी है। और मुझे लगता है कि जो भी हमारे इंटरनेशनल यूजर्स हैं उन लोगों के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी होगी।